So hi everyone and welcome back once again to the channel. So you guys must be waiting for the RBI Grade B notification, and you all know that in this week the notification is coming. So before that, some people were asking that phase 1 के बारे में थोड़ी सी बात कर लो कि phase 1 में क्या क्या चीजें हमें करनी चाहिए, क्या क्या चीजें नहीं करनी चाहिए, किसको हमें प्रायोरिटी देनी चाहिए, किसको प्रायोरिटी नहीं देनी चाहिए. सो आई डिसाइडेड टू मेक दिस वीडियो ऑन phase 1, एंड विद दिस वीडियो वी कैन प्रेडिक्ट कि किस तरीके का phase 1 का पेपर हमारा आता है. For Qualt Reasoning and GA. English मैंने include नहीं किया है because English guys is a very easy topic. You guys can yourself handle it. Qualt Reasoning और GA में we'll be discussing in this video कि किस तरीके का paper 2022 में आया था. I have just picked the pattern of 2022 and उसके हिसाब से we can predict that कि इस तरीके का paper हमारे exam में हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है. And कुछ topics, there are certain topics that you know from which the RBI ask question every year. राइट, सो उनके बारे में भी बात करेंगे. एंड देर आर सर्टेन टॉपिक्स विच आरबीआई ड्रॉप्स सर्टेन टॉपिक्स, मतलब एक बहुत सारे टॉपिक्स हैं, उसमें से कुछ टॉपिक आरबीआई उठाता है, कुछ को छोड़ देता है, फिर नेक्स्ट ईयर दूसरे को उठाता है, फिर पहले वालों को छोड़ देता है, ऐसे चलता है. सो एवरी ईयर सो देर इज नो फिक्स्ड पैटर्न कि अच्छा इस टॉपिक में से क्वेश्चन आना है तो आना ही है. बट येस, देर आर सर्टेन टॉपिक्स फ्रॉम वेयर द क्वेश्चन विल डेफिनेटली कम, सो वी कैन फोकस मोर ऑन दोज टॉपिक्स, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट इट विद द क्वांट. सबसे पहले हम क्वांट सेक्शन की बात करते हैं. टू मच डिफिकल्ट. लास्ट ईयर आई ऑल्सो वेंट फॉर कलेक्टिंग द क्वेश्चन बेसिकली, ठीक है. तो उस समय मतलब जो आरबीआई का एक्चुअल एग्जाम था, देन आई ट्राइड, ठीक है. मैंने सोचा कि चलो ठीक है, मैंने क्वेश्चन का पैटर्न तो देख ही लिया है, तो लेट्स ट्राई एंड सॉल्व सम क्वेश्चंस ऑफ क्वांट. एंड बिलीव मी, आई एम अ साइंस बैकग्राउंड स्टूडेंट, आई एम अ फिजिक्स ऑनर्स, राइट. बट धुएं निकल गए थे बहुत बुरी तरीके से कि भाई ये कैसे क्वेश्चन है. तो क्वांट इज टू मच डिफिकल्ट, बट द थिंग इज दैट डिफिकल्टी लेवल, हाउ यू कैन टैकल दैट, इफ यू आर कंसेप्चुअली स्ट्रांग देन यू वुड बी डेफिनेटली एबल टू टैकल द क्वेश्चंस ऑफ क्वांट. वहां पे आपको कंसेप्चुअली स्ट्रांग होना पड़ेगा. स्पीड आपकी चाहे कितनी भी अच्छी होगी, आप पूरे के पूरे 30 क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे. यू वोंट बी एबल टू अटेम्प्ट ऑल द 30 क्वेश्चंस. एंड इफ एनी वन ऑफ यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट ऑल द 30 क्वेश्चंस, देन अ बिग सल्यूट, राइट. या 2022 में भी अगर किसी ने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए होंगे तो भाई उनके लिए तो सलाम है, वो भगवान है फिर मेरे लिए, ठीक है. सो एनीवेज, तो बात करते हैं 2022 के पैटर्न की. अगर हम 2022 में देखें, देखो ये सारे कुछ टॉपिक्स हैं, दीज आर ऑल द टॉपिक्स फ्रॉम वेयर द क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन आरबीआई ग्रेड बी फेज 1, ठीक है. अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूं एंड उससे पिछले सालों की भी बात करूं, तो एवरी ईयर द नंबर ऑफ क्वेश्चन, द मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम्स फ्रॉम डीआर, डेटा इंटरप्रिटेशन. You can see last year also there were 11 questions from DI, 3 and 4, 2-3 DIs were there, data interpretation. So DI is one of the most important part of quantitative aptitude section of RBI grade B, ठीक है. But यहाँ पे एक disclaimer है जो कि आपको अपने दिमाग में रखना है, and that disclaimer is what, कि भाई DI के question कभी कभी ऐसा होता है, जैसे 2022 वाला जो paper था उसमें हुआ, right. In 2022 it happened that some people you know wasted their time in solving their DI question because वो question solve हुए ही नहीं, right. वो थोड़ा सा उनका difficulty level ज्यादा था तो समझने में ही पूरा time चला गया, and at the end people you know lost their time. So ऐसा नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना. इस चीज को tackle करने का एक ही तरीका है, and that is what, more and more practice. The more you practice, the more the higher the chances of yours to solve the question of DI in the actual examination. उसके बाद जो नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज सीक्वेंस एंड सीरीज. लास्ट ईयर 4 क्वेश्चन थे, एवरी ईयर आते ही हैं सीक्वेंस सीरीज. इसमें जो न्यूमेरिक सीक्वेंस एंड सीरीज है वो वाले आते हैं, नंबर वाले, अल्फा न्यूमेरिक वाले रीजनिंग में भी आते हैं, ठीक है. तो सीक्वेंस एंड सीरीज ओवरऑल आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, बोथ फॉर क्वांट एंड रीजनिंग, राइट. उसके अलावा जो बाकी टॉपिक्स है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 3 क्वेश्चन आए थे पिछली बार, ठीक है, जो कि हर साल ऑलमोस्ट आ ही जाते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू गाइस, ठीक है. लास्ट टाइम एसआई एंड सीआई से 3 क्वेश्चन थे, बट यू नेवर नो कि दिस टाइम प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट से नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा आ जाए या फिर टाइम एंड वर्क से ज्यादा क्वेश्चन आ जाए, ठीक है. तो एसआई एंड सीआई के 3 क्वेश्चन थे लास्ट टाइम, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट के देर वर 2 क्वेश्चन, राइट. देर वॉज अ क्वेश्चन ऑन पार्टनरशिप, देर वॉज अ क्वेश्चन ऑन मिक्सर एंड एलिगेशन, राइट. एंड देर वर 3 क्वेश्चन फ्रॉम स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस. So this was the overall pattern of last year examination. But am I saying that you guys have to do only these topics
which were asked in the last exam 2022? Absolutely not. I'm not saying this at all. Because you never know, this year, last year RBI asked 3 questions from SI and CI, and averages mein sir koi question nahi tha, so you can't say that in this year's exam 2023 they are not going to ask any question from average. You can't say that. So what should be the approach? What should be the approach of quant? So I believe, in my opinion, jitna main samjha hu is exam ko, to dekho, jo arithmetic wala portion hai wo to aapko karna hi padega, theek hai, jo arithmetic wala portion hai wo aapko karna chahiye. उसके अलावा यू कैन इग्नोर प्रोबेबिलिटी, यू कैन इग्नोर मेंसुरेशन, यू कैन इग्नोर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन. इग्नोर का मतलब ऐसा नहीं है, इग्नोर का मतलब यह है कि ये टॉपिक्स आपको सबसे लास्ट में करने हैं जाते, ठीक है, सबसे लास्ट में करने हैं जाते, मेंसुरेशन, प्रोबेबिलिटी और परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, दीज आर द टॉपिक्स विच यू हैव टू डू एट लास्ट व्हेन यू आर डन विद ऑल अदर टॉपिक्स. देखो ये जो टॉपिक्स हैं ये बहुत ईजी है, परसेंटेजेस, एसआई सीआई, एजेस, एवरेजेस, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, टाइम वर्क, पाइप्स एंड सिस्टम, बोर्ड्स एंड स्टीम, ये तो तीनों एक ही बात हो गई, तीनों में एक ही कॉन्सेप्ट लगता है, राइट. इन ऑल दीज 3 टॉपिक्स ओनली द कॉन्सेप्ट इज सेम, टाइम एंड वर्क, पाइप्स एंड सिस्टम एंड बोर्ड्स एंड स्टीम, एक ही बात है. जब टाइम एंड वर्क और स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस ऑफ कोर्स इज ऑल्सो यू नो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन से जनरली, लास्ट ईयर तो नहीं आया लेकिन सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन से क्वेश्चन आ सकते हैं, बिकॉज इन द रिसेंटली कंडक्टेड IFSC फेज 1 दे आस्क क्वेश्चन फ्रॉम approximation, but those questions were easy. RBI का वो level नहीं है, RBI difficult question पूछता है. All right. So what I am saying is, अगर मैं इसको summarize करूँ सारी बातों को, तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि सबसे पहले तो आप focus करो DI के ऊपर, because if you guys would be able to solve DI question, तो बस हो गया काम. और DI में तो ऐसा है कि अगर आपने एक बार उसको crack कर लिया तो हो गया, तो फिर उसमें जितने भी questions हैं, you guys can easily solve that. तो first of all DI, ठीक है, which is the most important sequence and series you should do. वेरी इंपॉर्टेंटली क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे आपको बहुत ज्यादा फोकस देने की जरूरत है. और उसके अलावा एरिथमेटिक में मैं आपसे ये कह रहा हूं कि छोड़ के कुछ मत जाना. देखो पहली चीज तो ये है, दिस वीडियो इज नॉट द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं कभी नहीं बताता, बिकॉज इफ यू गाइज आर डूइंग बजटिंग इन प्रिपरेशन देन आई एम सॉरी, दिस वीडियो इज नॉट फॉर यू. बजटिंग नहीं करनी है बिल्कुल भी. मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अप्रोच क्या होनी चाहिए. तो DI आप फॉलो करो, उसके बाद जाओ सीक्वेंस एंड सीरीज पे, राइट. क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बहुत अच्छे से करके जाना है, एवरेजेस को करना है, एजेस को करना है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट को बहुत अच्छे से करके जाना है, बिकॉज लास्ट ईयर 3 क्वेश्चन थे, हो सकता है इस साल 2 हो, लेकिन डेफिनेटली होगा, SI CI से होता ही होता है. टाइम एंड वर्क, पाइप्स एंड सिस्टम और बोर्ड्स एंड स्ट्रीम, ये तो तीनों एक ही टॉपिक हो गए. एंड स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस और मिक्सचर एंड एलिगेशन तो बेसिकली इज अगेन अ कॉन्सेप्ट विच यू कैन यूज इन एनी ऑफ द टॉपिक. तो इस तरीके से अगर आप फॉलो करोगे तो यू गाइज वुड बी एबल टू स्कोर decent marks in quantitative aptitude, right? Let me repeat this. सबसे ज्यादा focus किसके ऊपर करना है? DI के ऊपर. और DI पे focus कैसे हो सकता है? The more you practice, the higher the chances of solving the questions during the exam. ठीक है? जितना ज्यादा practice करोगे उतना ज्यादा आपके marks आएंगे. Sequence and series पे question आते ही है, और sequence and series मैं इसलिए बोल रहा हूँ because वो reasoning के लिए भी important है. Quadratic equation के ऊपर आपको बहुत ज्यादा practice करने की जरूरत है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बस इक्वेशन सॉल्व करके मत देखना. यू गाइस हैव टू गो टू द इन डेप्थ कॉन्सेप्ट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स की, रियल रूट्स, इमेजिनेटिव रूट, ये जो हमने 10th क्लास में आई बिलीव या 9th क्लास में कभी पढ़ा होगा, तो वो वाला कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए. ठीक है? ऐसे ही नहीं कि बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने सॉल्व करनी तो आती है, हमें क्या पढ़ना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, वो सब नहीं पूछेगा आरबीआई आपसे. ठीक है? सिमिलरली इसमें एक टाइप ऑफ क्वेश्चन भी घुसा देते हैं, ये डेटा सफिशिएंसी के. अब डेटा सफिशिएंसी में क्या होता है कि एक डेटा होता है, राइट, एक कुछ भी एक डेटा होगा एंड दो ऑप्शंस होंगे कि भाई ये इनमें से सॉल्व हो सकता है कि नहीं. अब उस डेटा सफिशिएंसी वाले क्वेश्चन में दे पुट द क्वेश्चंस फ्रॉम यू नो एनी टॉपिक, SI CI, परसेंटेज इसका डाल दिया, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट डाल दिया, तो इस तरीके के मिक्स्ड क्वेश्चन भी आते हैं. मतलब डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछा प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट से, कैसे पूछ लिया? थ्रू this data sufficiency. ठीक है? So you have to solve such questions as well. ठीक है? And now from where you can solve, you can practice the mock test. Right? So this is all about quantitative aptitude. Now let's talk about the reasoning. So reasoning में तो guys देखो puzzle. अगर आपको puzzle solve करनी आती है, अगर आप puzzle solve करने में माहिर हो, तो मैं तो कहूंगा फिर और कुछ मत करके जाओ. 30 to 35 question puzzle के आते ही है. ठीक है? 30 to 35 question puzzle के आते ही आते. तो if you are you know माहिर and you have that hunger of solving puzzles quickly, तब तो भाई 60 questions है,
30 to 35 इसी में से हो जाएंगे। और पजल की बेस्ट बात ये रहती है कि इफ यू हैव सॉल्व द पजल देन यू नो दैट इट इज राइट। बट पजल की एक नेगेटिव बात भी है, और वो क्या है कि लेट्स से आपने 5 मिनट या 7 मिनट एक पजल में लगा लिया और वो सॉल्व नहीं हुआ, तो वो 5 से 7 मिनट गए आपके। तो इट इज अ रिस्क, एंड दैट रिस्क आई वुड सजेस्ट ओनली टेक दैट रिस्क इफ यू आर कॉन्फिडेंट इनफ दैट ओके आई कैन सॉल्व दिस पजल, और आपको पता है कि ये सॉल्व नहीं होगी मेरे से, तो उसको छोड़ दो, डोंट गो इनटू दैट। ठीक है, तो पजल के अलावा क्रिटिकल रीजनिंग के 10 क्वेश्चन थे लास्ट टाइम, एंड व्हाट इज दैट क्रिटिकल रीजनिंग, ये जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं दिस इज क्रिटिकल रीजनिंग। कॉज एंड इफेक्ट, स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, स्टेटमेंट एंड इन्फरेंस, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन, तो ये होता है क्रिटिकल रीजनिंग, इससे 10 क्वेश्चन थे। अब यहां पर भी एक रिस्क रहता है, यहां पर भी एक रिस्क होता है। रिस्क क्या होता है कि देर आर सर्टेन कंक्लूजन्स, राइट, मान लो कि आपके हिसाब से किसी स्टेटमेंट का कुछ कंक्लूजन है, बट अकॉर्डिंग टू आरबीआई इट इज समथिंग और इट इज समथिंग एल्स, तो यहां पे भी रिस्क रहता है। बट यस, अगर 10 क्वेश्चन है तो 10 में से 5 तो आपके सही होंगे इफ यू नो हाउ टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। ठीक है, उसके अलावा डेटा सफिशियंसी 3 क्वेश्चंस, अल्फाबेट टेस्ट ये आता है हर साल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनइक्वालिटी हर साल आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कोडिंग डिकोडिंग से भी एक क्वेश्चन फंसता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन होता ही, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सिलोजिज्म के क्वेश्चन कभी आ जाते हैं कभी नहीं आ जाते हैं, बट यू कैनॉट इग्नोर सिलोजिज्म, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एनी ऑर्डर ऑफ रैंकिंग, सीटिंग अरेंजमेंट, ये तो पजल का ही पार्ट हो गए, सो ये मैंने फिर भी अलग से लिख दिया है। ऑर्डर एंड रैंकिंग कभी सिंपली भी पूछा जा सकता है और पजल की फॉर्म में भी हो सकता है। ऑलराइट, इसके अलावा सीक्वेंस एंड सीरीज, ये अल्फाबेट टेस्ट ही हो गया आपका एक तरीके का, और सीक्वेंस एंड सीरीज मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। रीजनिंग में अल्फा न्यूमेरिक सीरीज आती है, उसमें नंबर सीरीज होती है क्वांट में। एनालॉजी को आप इग्नोर कर सकते हो बिकॉज जनरली आरबीआई डोंट आस्क। क्लासिफिकेशन, ऑड वन आउट वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसको भी आप इग्नोर कर सकते हो, जनरली आरबीआई नहीं पूछता। ठीक है, तो दिस इज द होल आइडिया ऑफ रीजनिंग। तो नाउ द थिंग इज यू हैव 2 वेज, आइदर गो एंटायरली विद पजल, या तो पूरी तरीके से पजल की तरफ चले जाओ, और दूसरा तरीका क्या है, जो बाकी क्वेश्चंस बच गए उनके ऊपर फोकस करो। ठीक है, तो नाउ इट इज अप टू यू कि भाई, क्योंकि देखो आधा पेपर जो होगा पजल का होगा और आधा पेपर जो होगा रीजनिंग का, वो बाकी क्वेश्चंस का होगा, बाकी टॉपिक का होगा। तो नाउ इट इज अप टू यू, इफ यू कैन सॉल्व दीज 4-5 पजल्स इन 45 मिनट्स, देन आई वुड सजेस्ट यू टू गो फॉर इट। इफ यू कैन नॉट, इफ यू आर नॉट एन एक्सपर्ट इन सॉल्विंग द पजल, then go for the other topics, because other topics also you can solve questions easily if you have practiced well, right? So this is the whole idea of reasoning. Now let's talk about the GA and the most important part of phase 1, jo ki aapko cut off clear karwata hai. theek hai, ab quant reasoning mein kabhi kabhi aisa hota hai ki nahi ho pata, kuch logo ki to pichle saal sectional cut off bhi nahi clear hue quant ke, bahut sare log the aise, but ye jo topic hai ye aapki cut off nikalwata hai। अब इसमें लास्ट ईयर क्या थोड़ा सा ट्रेंड देख लेते हैं। नेशनल न्यूज 12 क्वेश्चन थे। नेशनल न्यूज मतलब कुछ इनिशिएटिव है, कोई प्रोग्राम है, कोई ऐप लॉन्च हुई, कोई वेब पोर्टल लॉन्च हुआ, राइट, इस तरीके के 12 क्वेश्चन। गवर्नमेंट स्कीम से 10 क्वेश्चन। नाउ गोन आर द डेज व्हेन आरबीआई यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन फ्रॉम गवर्नमेंट स्कीम्स इन ईएसआई फेज 2। टुडे आरबीआई इज आस्किंग गवर्नमेंट स्कीम्स क्वेश्चन इन फेज 1 एज वेल, एंड दैट टू नॉट द सिंपल क्वेश्चन। लेट मी टेल यू दिस, सिंपल क्वेश्चन नहीं होते, अच्छे खासे क्वेश्चन। तो गवर्नमेंट स्कीम्स, स्टेट न्यूज 4 क्वेश्चन, किसी स्टेट ने कोई अच्छा इनिशिएटिव लॉन्च किया है तो उससे आ जाता है क्वेश्चन। डिफेंस का एक क्वेश्चन था। इंटरनेशनल न्यूज 5 थे, इंटरनेशनल क्वेश्चन 5 थे। इंटरनेशनल मतलब कोई बड़ा इवेंट हुआ है, कोई इंटरनेशनल समिट हुआ है, इस तरीके का। रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस, एवरी ईयर दे आस्क क्वेश्चन फ्रॉम रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस। बैंकिंग एंड इकोनॉमी, ऑफकोर्स वेन यू आर गोइंग टू आरबीआई यू शुड नो अबाउट द बैंकिंग सेक्टर एंड द ओवरऑल इकोनॉमी। तो बैंकिंग एंड इकोनॉमी से 18 क्वेश्चन थे भाई लास्ट टाइम। अपॉइंटमेंट से देयर वर 4 क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट डेज 3 क्वेश्चंस, अवार्ड्स 2, स्पोर्ट्स 3, बुक्स और ओबिचुरी से 3 क्वेश्चन थे। बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे, मैं हमेशा कहता हूं कि बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे करके जाना ही जाना है। एंड स्टैटिक जीके और मिसलेनियस में से 7। ठीक है, नाउ व्हाट शुड बी द अप्रोच। देखो आप इसको बहुत ध्यान से अगर देखोगे, दिस सेक्शन एंड या ऑफ कोर्स बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे, तो ये वाले जो सेक्शंस हैं कौन कौन से, नेशनल न्यूज, गवर्नमेंट स्कीम्स, रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस, बैंकिंग एंड इकोनॉमी, बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे, ये तो फिक्स है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आने हैं। कितने क्वेश्चन हो गए ये, 12, 10, 22,
22 एंड 18 40 44 एंड 4 48 क्वेश्चंस हो गए भाई, 48 क्वेश्चन हो गए, मोर देन हाफ ऑफ द पेपर हो गया। नाउ इमेजिन 48 क्वेश्चन है, अगर इसमें से आपने 40 भी सही कर दिए, हो गया, कट ऑफ निकल गई, क्योंकि बाकी में कुछ तो लेके आओगे कि नहीं लेके आओगे, ठीक है ना। एज पर द रीसेंट ट्रेंड, जो पिछले दो साल का ट्रेंड रहा है, वैसे तो 2019 में 122 गई थी कट ऑफ, तो दैट डिपेंड्स ऑन पेपर। अभी मैं बात कर रहा हूं जो अभी का ट्रेंड है पेपर का 2022 का या 2021 का, उसके हिसाब से, राइट। तो अगर ये टॉपिक भी कर लिए तो हो गया आपका काम। नाउ आई एम नॉट सेइंग कि बाकी टॉपिक को छोड़ दो, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि इंपॉर्टेंट नहीं है या क्या इंपॉर्टेंट है, आई एम नॉट सेइंग दैट। आपको यहाँ पे द आइडिया ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस वीडियो इज टू टेल यू दैट जनरली किस तरीके कहां से क्वेश्चंस आते हैं। तो आई होप यहां से आपको समझ में आ रहा है कि कहां कहां से कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं। गवर्नमेंट स्कीम की चिंता मत ही करो, ठीक है, वो तो मैं तुम्हें कराऊंगा, और बाकी ये सब कुछ तो आप स्पॉटलाइट से कवर कर ही सकते हो, आई थिंक देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट, एंड स्पॉटलाइट इज फ्रीली डाउनलोडेबल फ्रॉम द वेबसाइट, हर महीने की आपको मिल जाती है। सो दिस वॉज द होल आइडिया गाइज ऑफ दिस वीडियो, एंड नाउ वन क्वेश्चन दैट पीपल आर आस्किंग कि अभी जो टाइम बचा हुआ है उसमें हम क्या करें, इसका आंसर मैंने आस्क अस एनीथिंग में भी दिया था, व्हेन वी आई अनाउंस टू अ सेशन ऑन आस्क अस एनीथिंग, उसमें मैंने बताया, हमने बताया था दैट यू शुड फोकस ऑन गवर्नमेंट स्कीम, राइट। ये जो टाइम है जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, गवर्नमेंट स्कीम को खत्म कर दो, बिकॉज गवर्नमेंट स्कीम होल्ड्स टू मच इंपॉर्टेंस इन द आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन, फेज वन में भी आता है, फेज टू में भी आता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट स्कीम्स को निपटा दो इतनी जल्दी, और अगर कर लिया है तब भी मैं कहूंगा रिवाइज कर लो एक बार, ठीक है, ताकि आपको बार बार से उसको आगे चल के ना पढ़ना पड़े, राइट। एनरोल्ड पीपल की अगर मैं बात करूं, 400 पेजेस का डॉक्यूमेंट है, 400 पेजेस के डॉक्यूमेंट को रिवाइज करने में भी टाइम लगेगा, तो जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता, जब तक हमारी रिविजन क्लासेस स्टार्ट नहीं हो जाती, गवर्नमेंट स्कीम्स को खत्म कर दो जल्द से जल्द, ठीक है जी। ऑलराइट, एंड टू द पीपल जो कि कोर्स वगैरह लेना चाहते हैं, तो यू गाइस कैन बाय दिस क्रैश कोर्स फ्रॉम द वेबसाइट, जाओ वहां पे ले सकते हो। दिस क्रैश कोर्स कंसिस्ट ऑफ एवरीथिंग, सब कुछ मिलेगा आपको यहाँ पे, मैं बार बार इसके बारे में नहीं बताऊंगा, यू विल गेट एवरीथिंग हियर। एंड फॉर एनी फर्दर क्वेरीज यू कैन टॉक टू द टीम एट 9999466225, एंड यस इफ यू वॉन्ट टू कनेक्ट विद मी यू कैन फॉलो मी एट इंस्टाग्राम और एट टेलीग्राम एट मैशीमनीश MASHYMANISH। अगर आपको डर लग रहा है कि नोटिफिकेशन आने वाला है, मेरी तैयारी नहीं हुई है, आपको लगता है कि आपको मेरे से बात करने के अच्छा लगेगा, तो यू गाइस कैन कनेक्ट मी हियर, हम बात करेंगे और आप कोशिश करेंगे आपकी प्रॉब्लम को खत्म करने की, और आप यहां पे डायरेक्टली फोन कर सकते हो, द टीम विल हेल्प यू, ठीक है। ऑलराइट गाइस, सो दैट इज ऑल, सो दिस इज हाउ द फेज वन इज कंडक्टेड, एंड दिस इज हाउ इट विल बी कंडक्टेड दिस ईयर ऑल्सो। दीज आर द टाइप ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम जनरली, दीज आर द टॉपिक्स फ्रॉम वेयर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन हैव बीन आस्क्ड एंड विल बी आस्क्ड इन द फ्यूचर, ओके। So I will see you in the next video. Bye-bye. Take care and God bless.